2009 में हैंगिंग ब्रिज गिरा था। कुल मैं गया हूँ और मेरे साथ पूरी टीम गई थी। रात भर हमने ये काम करा कि ये कॉमन सेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेस्क्यू में काम आती है कि जिस स्लैब के नीचे, क्योंकि काफी बड़ा इलाका टूटा पड़ा है, जिस स्लैब के नीचे से मोबाइल की रिंगटोन आती थी वहाँ हम निशान लगाते। 5 बार कोबरा बाइट हुआ, इसमें ये सबसे पहला कोबरा बाइट मुझे 2002 में हुआ, ये उंगली डैमेज हो गई। मूवमेंट ऐसा आया है रेस्क्यू के टाइम पे जहाँ पे आपको ये लगा कि अरे यार अब तो ये लास्ट है मेरा, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं यहीं पे जाऊंगा। एक बार तो मैं नहर के अंदर फंस गया और मुर्दे के साथ ही फंस गया। अच्छा, मुर्दा भी नीचे था, उसकी दाढ़ी मुझे चुभती थी। हाय, आज जो गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आए हैं ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 25 सालों से एज अ प्रोफेशनल रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ हमारे इस शहर में नहीं, इस शहर के बाहर भी बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। उनके कुछ चुनिंदा रेस्क्यू ऑपरेशंस में से जैसे बीकानेर के अंदर आई हुई जो बाढ़ थी, वो हमारे शहर के अंदर हैंगिंग ब्रिज जब गिरा उस ट्रेजेडी के अंदर जो रेस्क्यू किया वो, ऐसे बहुत सारे अनगिनत रेस्क्यूज किए हैं जिन्होंने, ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा रेस्क्यूज किए हैं जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग उनने जिंदा बचाए हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं, इनका नाम है विष्णु श्रृंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यहाँ पे आए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम टू द क्यूरियस पॉड। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो रेस्क्यू की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? सफ़र रेस्क्यू का सफ़र ऐसा था कि हमारे पास में एक अखाड़ा था, उसमें एक्सरसाइज करने हम 4 भाई हैं, हम जाया करते थे। उसका पार्ट होता था स्विमिंग भी, एक पार्ट था कि स्विमिंग भी करनी है। स्विमिंग इतनी अच्छी थी कि एक बार में ही चंबल पे बाहर जाके हाथ लगा के वापस आना तो बढ़िया स्विमिंग थी। तो उस दौरान घर पे कम ही नहाते थे, हम नदी पे ही नहाते थे क्योंकि नदी इतनी बड़ी नदी थी, साफ पानी था, वहाँ कई बार डूब जाते थे तो उनको निकालते थे। तो आदत में थी एक नीचे जाना और निकालना, नीचे जाना निकालना। फिर लोग मुझे बुलाने लगे, कई और जगह डूब जाता था तो वहाँ भी जाते थे। और फिर ये धीरे धीरे करके नगर निगम में भी ये चीज़ थी कि काफ़ी लोग नहरों में डूबते थे तो वहाँ पे भी मैं, सन 2000 के आसपास मुझे बुलाते थे, मैं जाता था और उनको निकालता था, लोगों को राहत मिलती थी और मुझे आता था तो मैं काम करता था। उसके पहले मैं सांप पकड़ता था कई सालों से, तो लोग मुझे उस वजह से जाना जाता था कि ये सांप भी पकड़ते हैं, तो कई सालों से मैं सांप पकड़ता रहा। उसके बाद 2003 में एक नगर निगम के जो अग्निशमन विभाग में, एक अखबार में एक विज्ञप्ति निकाली कि स्वैच्छिक रूप से गोताखोरी करने वाले युवकों की आवश्यकता है, उस पर कुछ आपको मिलेगा नहीं, वेतन या कुछ, पर स्वेच्छा से आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। वो फॉर्म मैंने भरा, 2 वेटेड ऑफिसर के साइन होते थे, मेरी रिस्क पे भरा और मैंने सन 2003 से लेके 2007 तक, ऐसे तो मैं सन 2000 से करता रहा पर वो फॉर्म के आधार पे देखा जाए तो सन 2003 से लेके 2007 तक विदाउट कॉस्ट दूर दूर तक मैं नगर निगम के लिए जाता रहा और लोगों को निकालता रहा। इस दौरान 2006 में बड़ी भीषण बाढ़ आई तो मैं वहाँ पर भी गया और कई लोग मरे थे उसमें। किस जगह पर आई थी ये बाढ़? बाड़मेर में आई थी, बड़ी जबरदस्त भीषण बाढ़ थी, वो पूरे गांव के गांव डूब गए थे। तो गांव कहाँ था पता नहीं था, ऊपर बोट चलती थी, नीचे गांव थे, तो उनमें से लोगों को रिकवर करा, काफ़ी जिंदा लोगों को रिकवर करा जो छतों पर थे, जानवरों को रिकवर करा, जानवर भूख प्यास से उनको जगह नहीं मिली तो छतों पर ही अटक गए, टापू बन गए थे कई छतें बड़ी, तो उनको ला नहीं सकते थे बोट में बिठा के बड़े जानवरों को, तो वहाँ तक चारा और पानी की व्यवस्था करना और लोगों को निकालना, और जो पानी के अंदर घर थे उनमें बॉडी फंसी हुई थी, तो एक एक घर में 10-10 लोग थे कई जगह, तो सोते ही रह गए थे वो,
तो उनके घरों को तलाशना स्मेल के आधार पर नाक से, और क्योंकि उनकी जो तरल आता है अंदर से बॉडी से छूटता है वो बदबू मारता है, वो उसके सहारे उनको खोजना बोट में बैठ करके, और उनको फिर नीचे जाके रेस्क्यू करके निकालना। ये काम 10 दिन तक लगातार करते रहे मुआ, और टीम गई थी पूरी फायर की, अधिकारी भी थे और कर्मचारी भी थे, सभी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। उसकी वजह से और मनोबल बढ़ा कि हम ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने नेवी को भी काम करते हुए देखा, उनके पास सिलेंडर थे, स्कूबा डाइविंग करते थे, तो मुझे लगा कि ये भी हमें चाहिए, तो उस तरफ फिर मैंने सोचना चालू करा। तो 2009 में फिर हैंगिंग ब्रिज गिरी 24 दिसंबर 2009। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे अधिकारियों ने और कलेक्टर साहब ने सभी ने मिलके मुझे और मेरे कुछ लोगों को और आरएसी सेकंड बटालियन के लोगों को साथ में गोवा में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, जो कि प्राइमरी ट्रेनिंग होती है डाइविंग की, स्कूबा डाइविंग की। वहाँ से स्कूबा डाइविंग करके आए तो थोड़ा अच्छा लगा कि हम पानी के बारे में बहुत कुछ जानने लगे, और भी ज़्यादा जानकारी लगी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा नीचे जाना, मुझे जाना चाहिए, काफ़ी डीप में करना चाहिए डाइविंग, वो थोड़ी प्राइमरी थी। फिर मैं अपने स्तर पे खुद के पैसे से मैं गया, काफ़ी पैसा खर्च हुआ मेरा, और 3 महीने में लगातार गोवा में रहा, और वहाँ से मैंने लाइसेंस लेकर के और फिर यहाँ आया। और कितने लोगों की टीम है हमारे यहाँ पे आज कोटा में? अभी अगर देखा जाए तो मैं जब आया था तो मेरे पहले एक प्रदीप कुमार शर्मा या तुम्बा, वो एक गोताखोर का पद पे था, पर वो पानी में कम और नाले के अंदर उसको ज़्यादा उतारा करते थे, नालों में से वो रिकवर करता था, नाला खोल देना उसका मास्टर काम था, अभी भी है वो, नौकरी है उसकी। उसके बाद में पहला व्यक्ति था जो गोताखोर के पद पर था, तो उसके बाद अभी हम टोटल 4 लोग गोताखोर के पद पे हैं, बाकी जो टीम है वो 30 लोगों की टीम है, दोनों नगर निगम में उत्तर और दक्षिण में 15-15 गोताखोर हैं, और उसमें से 18 लोग वो प्रशिक्षित हैं जो गोवा से ट्रेनिंग करके आए हैं। जब डाइविंग आपने कोर्स सीखा उससे पहले भी आप रेस्क्यू करते थे, तो डिफरेंस क्या आया, कितना समय तक आप उससे पहले पानी के अंदर जाते रह पाते थे? उससे पहले स्टेमिना के दम पे थे, उससे पहले मेरा 3 मिनट 13 सेकंड में अंडर वाटर डाइविंग करके काम करता था। अच्छा। खुद के लंग्स पे वो मेरी प्रैक्टिस थी, मैं लगातार स्विमिंग पूल में करता था, और उसको उसका परिणाम यह था कि मैं काफ़ी देर नीचे रहता था और बिना कोई सिलेंडर या बिना कोई ऑक्सीजन के मैं डाइविंग कर पाता था। अब उसके बाद जब ये डाइविंग करने के बाद स्कूबा सिलेंडर आ गए 2016 में आए, और अभी भी ज़्यादा आ गए हैं, तो उसके बाद तो कोई चिंता नहीं कि नीचे काम करने में कोई उतना होता है कि उसके कितना नीचे जाना है वो सारा एक मैपिंग होती है, उसको बनाना पड़ता है पहले बैठ कर के कितना नीचे डाइविंग करनी है। एक स्कूबा डाइवर की ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं वो। जैसे सिलेंडर लगाने के बाद एक डाइवर के पास कितने मिनट्स का समय रहता है नीचे जाके और वापस? अगर एक सिलेंडर जो स्कूबा का होता है नॉर्मली 200 बार प्रेशर का भरा हुआ, और वो गोताखोर नीचे जाता है और अच्छा गोताखोर है और वो अच्छे से धीमे से सांस लेके और आराम से जा पाता है, तो 90 फीट जाने के बाद उसके पास सिर्फ 15 मिनट की गैस बचती है ऊपर आने के लिए भी तो टाइम चाहिए। जितना धीरे नीचे जाना पड़ता है उतना ही धीरे ऊपर भी आना पड़ता है। अच्छा। उसको एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम आप भाग के आ जाएंगे, उसमें तो फिर आपके लंग्स फट जाएंगे। वो बताया मैंने, उसके ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, उसको कई दिनों तक सिखाते हैं वो लोग। और 90 मिनट तक नीचे जाने के 90 फीट नीचे जाने के लिए कितना समय लगता है अंदाजन? उसका मैं बता रहा हूँ, अच्छा ड्राइवर है तो वो बहुत कम समय लेगा, पर रुक के जाना है उसको, उसके कान में प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो वो जाकर जाने के बाद अच्छा ड्राइवर है तो 15 मिनट का समय उसके पास है। अच्छा। अगर वो अच्छा ड्राइवर नहीं है तो वो हो सकता है कि उसको 90 फीट जाने में ही दिक्कत आ जाए और फिर वो ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि उसके पास गैस नहीं बचेगी। तो ये सारी चीजें ये सब पढ़ाते हैं, उसका एक टेबल होती है, वो टेबल को कैलकुलेशन करके ही जाना पड़ता है, उसमें कितनी नाइट्रोजन दिमाग में बनेगी, कितना गैस आपने खर्च कर दी, वो सब पढ़ाया जाता है। अच्छा। वो काफी लंबा प्रोसीजर है। तो अभी है ना, आपने मेरे को स्टार्टिंग में ये बताया था कि 2009 में
हैंगिंग ब्रिज गिरा था, वो एक बहुत बड़ी बहुत पुराना था। बहुत बड़ा आपदा थी, और हमारा हैंगिंग ब्रिज शायद इंडिया में सेकंड ब्रिज था उस समय पे, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन में गिरा था, और आप वहां पे रेस्क्यू टीम में थे। बिल्कुल, मैं गया हूँ, और मेरे साथ पूरी टीम गई थी, और मैं उस समय तालाब है, किशोर सागर तालाब में, मुझे और मेरी टीम को एक काम दिया हुआ था कि आप इसकी जो जलकुंभी है वो निकालो, और 4 रोज से मैं वही काम कर रहा था। जलकुंभी को बनाते थे बड़ा सारा डोम, उसको धकेल के मोटर बोट के इंजन से नहर में डाला करते थे, जब ये इसमें कचरा निकालने की मशीन नहीं होती थी। तो उस समय मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, और मेरे पर कॉल आया कि ब्रिज टूट गया। तो मैं उसको, मुझे नहीं पता था कौन सा ब्रिज टूटा, तो फ़ोन पर आ रहा था मैसेज। तो मुझे अधिकारियों ने, मुझे जिप्सी में, मुझे और चंगेज खान जो मेरे सहायक साथी है गोताखोर हैं, उनको बिठाया। तो RSE, क्योंकि मेरे पास अच्छी बोट नहीं थी उस ज़माने में, 2 HP का इंजन था, वो इतनी जल्दी जा नहीं सकता था। RSE जो हेडक्वार्टर है उसमें बोट हाउस पे, बोट में बिठाया और सीधा वहाँ पे मूव कर दिया। हाहाकार मची थी वहाँ, काफ़ी लोग थे ऊपर जिनके परिजन दबे हुए थे, उनके जो साथी कर्मचारी थे वो काफ़ी घबराए हुए थे, और अंधेरा हो चुका था, ठंड के दिन थे, तो ऊपर पानी पानी हो रहा था, जो गिरा होगा उसका पानी था, चढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत आई हमें, और हमने काफ़ी 2 लोगों को तो जिंदा निकाला हाथों हाथ। अच्छा, हाँ, वो फंसे हुए थे पर वो जिंदा थे, केबिन में फंसे हुए थे। कई बड़ा स्ट्रक्चर टूटा था, कहाँ कहाँ की समझ में नहीं आई मुझे कि जहाँ पर मिलता था। पर रात भर हमने ये काम करा कि ये कॉमन सेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेस्क्यू में काम आती है, कि जिस स्लेब के नीचे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका टूटा पड़ा है, जिस स्लेब के नीचे से मोबाइल की रिंगटोन आती थी वहाँ हम निशान लगाते थे रात को, रात भर जाग के, क्योंकि उसकी एक बैटरी एक टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो मोबाइल उसका बजेगा नहीं। बजेगा नहीं। मोबाइल उसको कौन कर रहा है कि ब्रिज टूट गई, उसके परिजन कर रहे हैं, या उसका कोई भी मोबाइल की घंटी आ रही, तो वो जो घंटी आ रही है उस दिशा में हम माँ कर मार देते हैं। करते थे कि इस दिशा से आ रही है। तो वो फिर वो सहायक हमारे को बाद में हुई कि यहाँ यहाँ पर भी घंटी आती थी, तो ये एक सहायता उससे मिली हमें कि वहाँ पर आदमी हुआ, मोबाइल तो गिरा के फेंक जाएगा नहीं। तो आज से 10 साल पहले वो जो रिंगटोन थी उस तरफ की मोबाइल, तो वो मोबाइल से नेविगेट करने में नेविगेट बहुत करने में हमें बहुत मदद हेल्प मिला मिली। आपको। और फिर दूसरे तीसरे दिन जब हम, मतलब दूसरे दिन तक RSE आ गई थी, RSE थी और मिलिट्री थी, रेलवे थी, सारे विभाग आ चुके थे वहाँ पर। पर हमारा फोकस ये था कि आदमी कहाँ दबे हुए हैं, उनको कैसे निकालेंगे। तो वो पूरा दबा हुआ था, तो नीचे रेंग रेंग करके जाते और देखते, तो हमें एक जगह काफ़ी लोग दबे हुए दिखे। फिर हमने पुलिस को बताया, उनको लेके भी गए, तो उन्होंने देखा है तो 15-16 लोगों की बॉडी दिख रही थी। फिर तेज कराओ रेस्क्यू ऑपरेशन, तेज करने के बाद फिर चौथे रोज में 16 लोगों के शव एक साथ बरामद हुए। फिर लगातार करते रहे, 15 दिन में वहाँ रहा टेंट लगा के, और मेरी टीम काम करती थी साथ में, RSE सेकेंड बटालियन और NDRF। SDRF का गठन नहीं हुआ था, NDRF के लोगों ने, सभी ने मिलकर के काम करा, और 48 शव निकाले उसमें से, और एक शव जो है वो पानी से निकाल के लाए थे हम। तो पानी में सिर्फ एक ही शव गिरा था। पानी में जो लिफ्ट के अंदर बैठा था ऊपर, जो ऊपर से ऑपरेट करता था उसको, क्रेन को, क्रेन ऑपरेटर का शव था, क्योंकि क्रेन का पूरा बूम वो नीचे गिर गया था, तो क्रेन का जो केबिन था उसमें से वो निकल करके पानी में चला गया था। वो टूट गया हुआ किसी तरह से, उसका केबिन या उसने खोल लिया हुआ, तो हमें कई किलोमीटर दूर मिला था वो, अच्छा, मतलब वो उस स्पॉट पे उस नहीं मिला जगह नहीं था। था वो, 12 दिन बाद मिला था, 12वें दिन मिला था, अच्छा, घटना के 12वें दिन मिला था। हैंगिंग ब्रिज में तो अब आप बता रहे थे बहुत बड़े बड़े स्लैब्स थे जो गिर गए हाँ, कंक्रीट के, तो वो फिर वो वापस उठाए जाते हैं बॉडी को रिकवरी के टाइम पे। नहीं, उसमें क्या हुआ था कि शुरू में जेक लाए कई लोग कि इसको उठाएं, वो इतने बड़े स्लेब जेक से थोड़ी उठते हैं, एक ट्रेन की बोगी उठाई जा सकती है, या कोई छोटा स्ट्रक्चर हो उठाया हो सकता है, उठा सके कई देर बाद। तो वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे को बॉडी में देख चुका था कहाँ पर है, और उसका पूरा दिमाग में मैं उतर चुका था। तो मैंने वहाँ के लोगों को निवेदन करा,
उस समय हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे बिल्कुल भी, थे मतलब जो नॉर्मली होते हैं बेसिक जो इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं, हैमर है बड़े या क्रेन है, ये हमारे पास कम थी। तो मिलिट्री के एक अधिकारी थे, उनके पास वो थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप इसको इसके नीचे से रेस्क्यू कर सकते हैं, यहाँ पर लाशें हैं दिखाई दे रही है। बोला इसको उठाएं कैसे? मैंने कहा उठाओ मत, इसके नीचे तो खोद सकते हैं आपकी मशीन। उन्होंने कहा ये हो सकता है, वो आइडिया काम कर गया। और नीचे जैसे ही खोदा ना, तो कई लोगों को हमने नीचे से रिकवर कर लिया, वो स्लेब वहीं के वहीं रहे, हमने नीचे ही नीचे टनल बना दी सारे में। और नीचे से रिकवर करते हमें भरी सर्दी में गर्मी लगती, लाइटों की वजह से लाइटें लगा दी थी, और उसकी सहायता से ढूंढे कई लोगों को, कुछ मक्खियों की सहायता से ढूंढे, कुछ मोबाइल की सहायता से, मक्खियों की सहायता, एक मक्खी होती बड़ी जो मुर्दा लोगों पे ही बैठती, तो वो मक्खी पर्टिकुलर किस तरफ से घुस रही है और किस तरफ जा रही है, तो वहाँ बॉडी होगी जरूर होगी, तो अगर वो नीचे दबाए तो अपनी नॉर्मल नाक सूंघ नहीं पा रही है, पर मक्खी को पता है वो बैठती बार बार, तो उस जगह जाकर के थोड़ी खुदाई करना, वह मिलता था। तो ये मेरा अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर कई लोगों को खोजा। ये आपकी जीवन का सबसे बड़ा रेस्क्यू था अभी तक का? नहीं, इससे बड़ा बाड़मेर था। अच्छा, जो वहां पे मैंने लोगों को देखा, उनकी आंख से आंसू सूखे नहीं, रो नहीं पा रहे थे वो लोग, मतलब पथरा गई आंखें उनकी, किनारे बैठते थे वो और लोगों को निकलते देखते थे, काफी पूरे गांव इफेक्ट हुए थे, काफी लोग मरे थे उसमें, तो जिंदा भी निकाले थे, पर वो लोग देखते थे हमें हीरो की तरह कि लोग तैरना जानते हैं तो ये निकालेंगे, कुछ हमारी मदद करेंगे। पूरा गांव ही डूब गए, सोते ही रह गए लोग, कुछ लोग थे जिनको जो अच्छे, जिन्होंने मैसेज सुन लिया था, तो रात को 4 बजे कुछ हुआ था ये हादसा, तो काफी लोग सो गए थे, तो वो बड़ा हादसा था, काफी गांव डूब गए थे उसमें। जैसे अभी आपने बताया रेस्क्यू के अंदर इस तरीके के, आप फायर में भी रेस्क्यू करते हैं? बिल्कुल, फायर में भी करते हैं, तो आग जाने की दुर्घटनाओं में भी काफी लोग फंस जाते हैं ऊपर की बिल्डिंग में, उनको आग बुझा के पहले सुरक्षित उतारना ऊपर से, या नीचे की बिल्डिंग में आग लग गई ऊपर लोग फंसे हुए, उनको किसी भी तरह से रेस्क्यू करना है हमें, उनकी जान बचानी है। बहुत सारे एंगल होते हैं, अब वो उस समय लाइट बंद कर देंगे, वो लिफ्ट से नीचे नहीं आ पाएंगे, रैंप है, रैंप के सहारे जाएंगे, या जहाँ आग ज्यादा लगी उसको बुझा करके ऊपर की ओर रेस्क्यू करने जाएंगे, या रेपलिंग करके उतारेंगे। तो जब जैसे स्पेशली बात करें, अगर फायर रेस्क्यू की अगर हम बात करते हैं, तो फायर रेस्क्यू के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करते हो? बेसिक प्लान तो सबसे ज्यादा ये है कि जनहानि नहीं हो, जहाँ पे भी जो आग लगे या आदमी फंस रहे, पहला ये देखते हैं कि आग लगी तो किस चीज में लगी, पेट्रोल में आग लग गई तो आप जानते हो कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, और लकड़ी के गोदाम में लगी वो भी अलग होता है, एक नॉर्मल कचरे की आग होती है, तो वैसा ही वह जो बैठा हुआ होता है फायर कंट्रोल रूम पे, वो अधिकारी बैठे हैं जो फायर के लिए बारे में बहुत एक्सपर्ट है, वो जो हमें बताते हैं कि किस तरह के उपकरण लेके जाने हैं, तो वो फॉलो करते हैं उनके। साइट पे जाते ही सबसे पहला काम क्या होता है आपका? साइट पे जाते ही सबसे पहला काम ये है कि आग तो कितनी है, आसपास के कितने एरिया इफेक्ट हो सकते हैं, उनको बचाना जो पहले प्राथमिकता के तौर पे, जहाँ आग लगी वहाँ कोई कैजुअल्टी है क्या, आदमी फंसे हुए हैं क्या, उनको निकालना, और फिर उसके बाद आग को बुझाना, किस तरह की आग है उसमें उसी तरह का प्रयोग करना पड़ता है, अलग अलग केमिकल जो फोम होते हैं उनको डालते हैं, जो अधिकारी बताते हैं वो, क्योंकि अग्निशमन के बारे में मुझे इतनी नॉलेज है कि वो जो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, उस केस में आप जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं? मेरा काम तो इतना होता है कि कोई तलाशें कि कोई जिंदा है क्या आसपास, या कोई कैजुअल्टी, इतना हम करते हैं सारे मिलके, जो 30 गोताखोर हैं सभी यही काम करते हैं कि आग तो बुझाते ही है, कार जल्दी से जल्दी काबू हो, पानी की सप्लाई रुके नहीं उस समय गाड़ियों में, ये एक बड़ा पॉइंट है। और हमारे यहाँ पे कोटा में कितनी फायर रेस्क्यू वैन्स हैं? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो नया जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया तो मैक्सिमम आ गई है, कमी नहीं है फायर की गाड़ियों की। अच्छा। हाँ, और हाइड्रोलिक लेडर भी हैं 2 जो काफी कई मंजिल ऊपर तक भी वो रेस्क्यू कर सकती है, वो ऊपर सीढ़ी होती है उसमें आग भी बुझाती है वो, और लोगों को निकालती भी करती है, तो मतलब हमारी चीजें बहुत एडवांस हो गई है। नहीं, एडवांस है अभी काम, मतलब उपकरण अच्छे हैं, हमारे डाइविंग के उपकरण भी वर्ल्ड लेवल के हैं, वर्ल्ड क्लास के हैं, अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही ऊंचे क्लास के इक्विपमेंट हैं, तो हमारे पास भी अच्छे उपकरण है। अभी तक का अगर मैं मोटा मोटा आपसे अनुमान पूछूं, आपने आपकी टीम ने मिलके कितने रेस्क्यू कर लिए होंगे? अगर आप टीम 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 की बात करते हैं
और पिछले जो 22-23 साल जो गुजरे उसमें हजारों लोगों को निकाला है। पूरी टीम ने मिलकर हजारों लोगों को बचाया, निकाला है जिंदा, और मुर्दा तो हजारों को ही निकाला है। मैक्सिमम टाइम हमारे को जब हमें खबर मिलती है तब तक या तो आदमी डूब जाता है, तो 5.5-6 मिनट में डेथ हो जाती है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दुर्घटना हुई तो तत्काल ही बचा लेते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपके सामने? तो उनमें भी सैकड़ों लोग हैं जो जिंदा, अब पूरी कॉलोनी गिर जाती है बरसात के टाइम और सब डूबने के कगार पर होते हैं, तो नावों से निकालते हैं, सैकड़ों लोगों को निकालते हैं। कुछ 2-3 साल पहले नयापुरा के अंदर भी ये स्थिति बनी थी हमारी। हाँ, तो नाव के सारे लोगों को निकाला ना, सैकड़ों लोगों को निकाला है, नीचे पूरी बस्तियां खाली कराई रात में। रात 2019 की बात है। पूरी नदी आई तो पूरी नदी घरों में चले गई, नदी एक एक मंजिल ऊपर चल गई, आदमी ऊपर चढ़े हुए थे, सबको निकाला, सब कुशल और सब सुरक्षित थे, एक भी डेथ नहीं हुई। सर मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये रेस्क्यू करते हैं किन मनोस्थिति से गुजरते हो आप? मनोस्थिति तो ये है कि जब तक आपको अंदर से जो पीड़ित है, कोई डूब गया है या किसी की कोलैप्स हो गई बिल्डिंग उसमें दब गया है, उसके दुख से पूरा दिमाग उसके दुख में नहीं लगा पाएंगे तो रेस्क्यू कर ही नहीं सकता आदमी। उसकी स्थिति देखना है कि वो किस स्तर से दुखी है, वो तो मरी गया उसका आदमी और आप उसको राहत दें, ये मेरा उद्देश्य था शुरू से कि उसको राहत कैसे दी जाए। कई दिन तक आदमी बैठा रहता है कि उसको कोई मिल नहीं रहा है, तो उसको राहत देने के लिए जो डाइविंग एक्स्ट्रा जो डाइविंग है, जो स्कूबा डाइविंग है, वो इसी वजह से आई कि मैं कई दिनों तक वो गाँव में पड़ा हूँ, बॉडी अपने आप ऊपर आएगी, वो वेट कर रहे हैं और फिर वो परिजन रो रहे हैं, जल्दी कैसे निकाल पाए। अब आज की तारीख में बहुत ज़्यादा गहराई में डूबता है आदमी तो ही हमें टाइम लगता है, वरना अगर नहर में तो भी टाइम लगता है क्योंकि नहर कई किलोमीटर तक है, और नदी और तालाबों और में और इनमें तो हम विद इन ए मिनट 4-5 मिनट में या 15 मिनट में, आधे घंटे में ये रेस्क्यू ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो रोने का प्रोग्राम रहता है, जो आदमी रोते रहते हैं घर के परिजन माँ बाप, या माँ बाप गिर गए हैं तो बच्चे रो रहे हैं, वो अब थोड़ा दुख कम होता है क्योंकि वो हम निकाल के दे देते हैं समय पे रेस्क्यू कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग कम हुआ है। और डूबने की जो घटना है वो तो कोटा शहर पानी क्षेत्र है, हर जगह पानी है और उसमें डूबने की घटना है तो वर्ष भर होती है, 60 से 70 लोग डूब जाते हैं पर ईयर। और उसमें से जिंदा कितने? बहुत कम लोग निकलते हैं, बाढ़ में अगर गिर जाते हैं तो बाढ़ के अंदर तो जीवित ही निकाल पाते हैं, क्योंकि उस समय हमें अलर्ट होता है कि बाढ़ कंट्रोल रूम भी खुला होता है और सभी तरफ से सूचनाएं आती रहती है, तो 24 घंटे आदमी की ड्यूटी होती है, तो जल्द से जल्द हम भले कितनी नदी आए पर हम लोगों को उसमें से रेस्क्यू कर लेते हैं और जीवित ही निकाल पाते हैं। ये चीज तो मैंने खुद ने भी आपके साथ अनुभव करी है कि मैं आपसे मतलब पिछले 4-5 महीनों से लगातार कम्युनिकेशन में हूँ, और उस समय आपने मेरे को यही बोला था कि अभी नहीं क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो हाँ बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कत हाथ से ज्यादा होते हैं। पिकनिक स्पॉट बहुत ज्यादा है, पिकनिक मनाने जाते हैं लड़के और वहाँ पर नशा कर लेते हैं या गलती करते हैं कुछ तो डूब जाते हैं। तो जैसे अगर कोई गया है पिकनिक पे गया है या किसी भी तरीके का हादसा अगर हुआ है कहीं पे, तो जिसके साथ हुआ है और जिसके सामने हुआ है वो किस तरीके की चीजों को करे और जिससे उस समय तक के लिए खुद को बचा सके जब तक उसको रेस्क्यू टीम आके रेस्क्यू ना कर ले। मैंने तो ये देखा है कि कई लोगों ने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई खोल के और दूसरों को बचा लिया, चुन्नी पकड़ा के बचा लिया, महिला की साड़ी से बचा लेता है डूबते हुए को। मैं कहता हूँ कि आप जब भी कोई पिकनिक मनाने जाते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, पहले बात तो जब बैन है, जैसा आप आज गेपरनाथ बैन कर दिया तो नहीं जाना चाहिए, वो जगह खतरनाक हो गई है, वहाँ कई कई 1-3 लोग डूब जाते हैं और उतरने का रास्ता नहीं है, आप गिर के भी घायल हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं है और बरसात के दिनों में तो और घातक हो जाती है वो, तो गाइडलाइन का पालन करें। दूसरा, सेफ जगह पर पिकनिक मनाएं, एंजॉय करें, सबको अधिकार है,
पर सेफ रह करके कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी। आप बचाव उपकरण रख सकते हैं, ज़रूरी टेलीफोन नंबर रख सकते हैं साथ में, ताकि अगर आपको आपदा आती है तो उस समय वो काम ले सके। टॉर्च है, लाठी है, रस्सी है, ट्यूब है, ऐसी कई चीज़ें जो मार्केट में मिलती है और ऑनलाइन भी मिलती है, जिनको आप अपनी गाड़ी में, या मैं तो अपनी गाड़ी में, बाइक में भी एक रस्सी रखता हूँ हमेशा। रस्सी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, वो किसी को भी बचा पाती है। रस्सी रखना चाहिए, टॉर्च उजाला करने के लिए, किसी को सिग्नल देने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी तो टॉर्च भी रख सकते हैं। आजकल बहुत सस्ते उपकरण मिलते हैं, रेस्क्यू टूल्स, तो वो रखने चाहिए अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको दुर्घटना की संभावना है। गैपरनाथ का आपने नाम लिया, तो गैपरनाथ में एक समय पहले करीब करीब शायद 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को, वहां पे वो सीढ़ियां गिर गई थी जी आपको? हाँ, मैं वहां था। और उस समय पे व्यक्ति फंसे थे? मैंने रात भर रेस्क्यू में सहयोग करा है, प्रशासनिक पूरे अधिकारी थे, अभय कुमार जी जिला कलेक्टर थे उस समय, और वो सीढ़ियां गिरी थी काफी सारी, तो सबसे पहले हमारी टीम गई थी। तो हमारी टीम में हमने देखा कि वो नीचे लोग फंसे हुए थे, तो हमने सबसे पहला ये करा कि नीचे कितने के लोग घायल हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो सभी लोगों से मदद ली। और तोमर साहब जो बोट ऑपरेटर हैं और उनको वो रेस्क्यू के उपकरण भी रखते हैं, उनके वायरलेस सेट लेकर के और हमारे लोग भी गए और उनके उन, उन वो भी उन्होंने ही भेजा रस्सी की सहायता से ऊपर से ऊपर से ऊपर से लटका दिया ऐसे नहीं, जहाँ से टूटी थी सीढ़ियाँ वहाँ से ही सीधा लटका दिया। हमारे पांच लोग नीचे चले गए और पांचों ने देखा कि दो लोगों की मौत हुई थी उसमें, और बाकी 130 के करीब आदमी थे। तो कम्युनिकेशन जब हुआ नीचे से ऊपर का वॉकी टोकी से, वो वॉकी टोकी तोमर साहब के थे, तो उनसे उनके जरिए पता चला कि 130 लोग हैं, उनके उनका खाना वगैरह रात भर रेस्क्यू के लिए बड़ी क्रेन मंगाई गई राउतबाटा परमाणु घर से, तो वो क्रेन आने में टाइम भी लगा, पर उस क्रेन की सहायता से दूसरे दिन उन्होंने एक बड़ी बकेट बनाई, उस बकेट को 300 फीट नीचे रोप से उतारा और उस पर उसके सहारे उसको निकाल निकाल करके सभी को सुरक्षित निकाला। तो वो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें बहुत लोगों को जिंदा निकाल लिया था, वरना वो बहुत मुश्किल हो जाती। तो ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पे, जैसे अभी आपने बताया गैपरनाथ में ये हादसा हुआ था, 2009 में जब हैंगिंग ब्रिज गिरा था, तो आप पूरे समय वहीं पे रहते हैं? हाँ नहीं, मेरा समय पर वहाँ रहना इसलिए होता है कि अब घर आएंगे उस घटनास्थल से लिंक टूट जाता है, क्या हुआ है कैसे करना है उसको, ये मैं नहीं मानता कि मैं अकेला कर रहा हूँ, पूरा प्रशासनिक स्तर पर सोचते हैं, पर मैं अपनी बर्डन मानता हूँ निजी, या आप मेरी वो कुछ कमी मान लें या खूबी मान लें, कि मैं उस जगह को छोड़ता हूँ तो थोड़ा दिमाग से जो घटनास्थल पर क्या स्थिति और बिगड़ भी सकती है क्या, या किस तरह से जल्दी अपन कर पाएंगे, उसके बारे में सोचने में टाइम ज़्यादा बिताता हूँ। सोच दिमाग से ज़्यादा सोचने से, मतलब उसके बारे में सोचने से कुछ ना कुछ हल तो निकलता ही है, और वो कई बार इसमें मैं सफल रहा हूँ कि उसको जल्दी कर पाया उस काम को मैं, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं वहीं रुक जाता हूँ ज़्यादातर, कि घटनास्थल पर मैं वहीं रुक जाऊँ, तो वहाँ रुकने से ये होता है कि ये नहीं ये कर सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं, तो मेरे और भी साथी हैं जो वो मेरे बात पे वो उस चीज़ को ला सकते हैं, या इक्विपमेंट ये चाहिए इससे ये जल्दी होगा, तो वो उस वजह से मैं वहाँ रुक पाता हूँ, और रुकने की वजह से मुझे सफलता भी जल्दी मिलती है। तो ये हैंगिंग ब्रिज के समय पे भी आप? हाँ, हैंगिंग ब्रिज में मैं 15 दिन नहीं आया घर, और हमारे अभिभाग ने वहाँ टेंट लगा दिया, मैं और प्रदीप कुमार तुम्बा जो गोताखोर है दोनों उसी टेंट में रहते थे हम, और रात को देर रात तक रेस्क्यू करते थे, और जब हमें नींद आती तभी हम सोते थे, और सो तो ढंग से पाते नहीं पर हाँ सोते थे, और वहीं पे हमारा खाना भी आता था और खाना भी वहीं खाते थे, और सब कुछ उस टेंट में ही था। मेरे को लगता है 15 दिन में मैंने कहीं पेस्ट भी नहीं किया, ना मैंने नहाया मैं, क्योंकि वो जो सारे लोग थे वो पानी के ऊपर थे और उसमें टनल के अंदर काम करना पड़ता था, टाइम ही नहीं होता था, तो 15 दिन मैंने वहाँ बिताए। और इतना चैलेंजिंग होता है इस तरीके की जॉब को कर पाना और इतने लंबे समय तक? मेरे लिए तो ठीक है कि मैं कर पाता हूँ, पर मेरे पीछे जो परिवार है वो
उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए उनकी भी सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो मुझे बराबर सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाता। मेरी माँ बड़ी मेरी गुरु थी, मेरी माँ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। 2015 में मुझसे बिछड़ गई, पर मेरी माँ ने मुझे ये कभी नहीं कहा कि तू ये काम मत कर। उसने कहा नहीं नहीं अच्छा ही काम है, बहुत अच्छा काम है, करो। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ भी बता तो रहा हूँ आपको मैं, कि मुझे बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाता, उसका सपोर्ट मिलता ही है मुझे। हालांकि वो जानती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्यों जा रहा हूँ, पर वो मैं नहीं जा पाता तो मैं यहाँ घर पे दुखी रहूँगा। वो मुझे बोलती है ऊपर के मन से कि नहीं जाओगे, काम तो करना ही पड़ेगा, जाओ, यहाँ मन नहीं लगेगा और काम नहीं कर पाओगे कुछ है। तो मैं जरूर उनके सपोर्ट से मैं हूँ, और मेरा खुद का अकेला का कुछ नहीं है, सभी के सपोर्ट से हूँ। इतने सारे आपने अलग अलग रेस्क्यू करे हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कैमरे पे नहीं बताई जा सकती, या अपने जहन में ही रह जाती हैं, वो हम उसको नहीं बयां कर पाते। नींद आ जाती है आपको आराम से? नहीं, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आ पाती कभी। अगर बड़ा हादसा होता है, छोटा हादसा भी बहुत बड़ी होती है, कोई किसी की जान जाना मेरे लिए तो बहुत ही बुरा होता है, और मैं सो नहीं पाता हूँ, लगभग नींद नहीं आती। रात भर ये सोचता हूँ कि क्या कर पाएंगे कल, अगर एक दिन में मिल जाता तो ठीक है। अभी ये 9 दिन लापता था, तो सब तो बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे होंगे, पर 9 दिन तक मेरे को नींद नहीं आई। और मेरी टीम के सदस्य सब बीमार हैं अभी तक, और सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाना आना भी लगभग 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने में, 4 घंटे तो बोट ही ऑपरेट करनी पड़ती है, उसके बाद तलाश करना थका देने वाला काम है, उसके बाद नींद कैसे आ सकती है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आता तो नींद कैसे आएगी। नहीं, रिजल्ट आने के, रिजल्ट के का भी कोई महत्व नहीं है कि रिजल्ट आए नहीं आए, पर हमें ये लगता है कि उसके परिजनों को जितनी जल्दी हो सके राहत दें, इस वजह से उसको सोचते हैं उसके बारे में अलग अलग एंगल, हर चीज़ का विश्वास करते हैं लोग कि करेगा कुछ ना कुछ चमत्कार। चमत्कार कुछ भी नहीं होता, हमारा सोचने का जो नज़रिया, उसको थोड़ा आज ये करा तो दूसरे दिन उसका पैटर्न बदलना पड़ता है, तो सफलता मिल जाती है लगभग, पर वो नींद नहीं आ पाती। आपके जो रेस्क्यूज हैं, ये कभी ऐसा हुआ है कि एक रेस्क्यू करा उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरे बाद तीसरा आ गया, तीसरे बाद चौथा आ गया? 2 घंटे में 3 रेस्क्यू आ जाते अलग 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 अलग। अच्छा। हाँ, एक बार एक मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत तेज गर्मी थी और एक बार था पुरानी धान मंडी इलाके में, बार एकदम से कोलेप्स हो गया, धस गया नीचे, उसमें दो लोग तो मर गए थे, और 3-4 लोगों को हमने जीवित निकाला और कई मुश्किल से निकाला। उसी दौरान एक कॉल आई कि पाटन ये बूंदी रोड पे गुरुद्वारा है बड़ा, और उसके अंदर कुंड है, वहाँ पर लड़का डूब गया है। तो उस रेस्क्यू को अधूरा छोड़ के हमारी आधी टीम से ज़्यादा वहाँ रही, और कुछ लोगों को लेकर के मैं गुरुद्वारे गया, वहाँ पर हमने डाइविंग करी, उस लड़के को निकाला, उसको मर चुका था, उसकी बॉडी निकाली, रिकवर करके दी। उसके जस्ट निकालने के बाद एक कॉल आया कि चंबल नदी में कोई आदमी ऊपर से कूद गया। हमारा जो रूट वो वही था, तो हमने तत्काल प्रभाव से उसको, हम गए तब वो व्यक्ति आधी नदी के बीच में ऊपर से कूदा था, बच गया था, और वो एक बहुत सारी घास और वो कुमुदनी होती है, उसको पकड़ के, और वो जिंदा था, तो हमने उसको बोट डाली और बोट से उसको जिंदा लेके आए। तो ये 2 घंटे में सब कुछ हो गया, बार भी गिर गई और वो भी, तो 2 घंटे में कभी कभी 3 रेस्क्यू भी हो जाते, इतना ज़्यादा भी होता है लोड, और कभी होता है कि 15 दिन तक कुछ नहीं होता। पर यह है कि कोटा शहर हादसों का शहर है, इसमें हर जगह जाएं तो पहले पूरा गाइडलाइन का पालना करें, पिकनिक भी मनाने जाएं या कहीं घूमने जाएं तो पहले उसके बारे में पता थोड़ा होना चाहिए, उसके बाद जाएं और सुरक्षित एंजॉय करें। तो सर, अभी तक के जो आपका लाइफ रेस्क्यू लाइफ रही है पूरी, इस रेस्क्यू लाइफ में ऐसा कोई मूमेंट ऐसा आया है रेस्क्यू के टाइम पे जहां पे आपको ये लगा कि अरे यार अब तो ये लास्ट है मेरा, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मतलब मैं यहीं पे जाऊंगा, मतलब आपकी डेड एंड वाली सिचुएशन की ये खत्म है अब? हाँ, 2-3 टाइम ऐसा ज्यादा हुआ। वैसे तो रेस्क्यू में हर टाइम जान जोखिम में ही रहती है, पर एक बार तो मैं नहर के अंदर फंस गया और मुर्दे के साथ ही फंस गया। अच्छा। मुर्दा भी नीचे था
उसकी डाढ़ी मुझे चुभती थी और मैं उसके साथ फंसा हुआ था गेट के अंदर, उसका हाथ फंसा था, वो निकालने गया था और वो मैं भी फंस गया, वो ही फंस गया और ताकत लगाने पर भी नहीं निकल पाया। तो लगा कि रात का टाइम था, 11 बज रहे थे अंधेरे में। उस समय सबसे बड़ी बात ये थी, न तो मेरे पास इक्विपमेंट थे, न मेरे पास कोई साथी था, मैं अकेला गया था रेस्क्यू करने। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगा कि आज अंतिम दिन है और 2008 की ये बात है। और उसके साथ मैं काफ़ी देर फंसा रहा, मेरा हाथ पूरा फट गया और मैंने पूरी ताकत बटोरी अपने जितनी हो सकती है और टांगे लगा के मैंने वो मुर्दे पे ही टांगे लगानी पड़ी और मैंने हाथ खींचा, पूरा हाथ फट गया पर मैं बच गया। उस समय मुझे लगा था कि आज लास्ट है। उसके बाद 2002 में जब कोबरा बाइट हुआ तो मुझे दिखाई देना बंद हो गया, मैं वेंटिलेटर पर रहा, मुझे पता नहीं कब तक रहा, तब भी मैं बच गया। उसके बाद कोरोना में, मैं एक्सीडेंट से नहीं था वो, पर कोरोना हुआ तब भी मैं काफ़ी एक महीने तक मैं एडमिट रहा, पर बच जाता हूँ, पता नहीं, सब लोगों की दुआ है। नहीं, वो आप इसीलिए बचते ना कि आगे आपको औरों को बचाना है, इसीलिए वो पूरा काम कर रही है, कॉस्मोस काम इसीलिए कर रहा है आप। सब लोगों के मुझे प्यार बहुत करते हैं, सब लोग, पूरा शहर प्यार करता है, बहुत लोग मेरे शुभचिंतक है, तो किन की दुआओं से बच रहा हूँ नहीं पता मुझे, पर मैं बच जाता हूँ। अक्सर देखा है मैंने, काफ़ी बार, बहुत बार एडमिट हुआ अस्पतालों में और सीरियस हुआ, बहुत डेंजर में था, पर बच जाता हूँ, पर मैं बच गया हूँ अभी तक। अभी जैसे आप रेस्क्यू कर रहे हैं, पिछले मतलब जो संस्था के साथ जुड़ के आप जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ रहे हैं, कोटा नगर निगम के साथ आप काम कर रहे हैं पिछले 2000 से और 2024, तो 24 साल का तो करियर सीधा सीधा आपका यही है। इतने रेस्क्यू और अलग अलग तरीके की सिचुएशंस, परेशानी और लोगों के इमोशंस, अपने खुद के जज्बातों को देखना, कभी उनके बाद आपको लगा है कि किसी एक साइकोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करने की नीड पड़ी हो? नहीं, साइकोलॉजी को तो नहीं, पर हाँ, हर तरह के डॉक्टर से इलाज करा चुका हूँ, पर माइंड से ठीक हूँ। पर इतने रेस्क्यू देखने के बाद मैं खुद महसूस करता हूँ कि अब मैं चुप रहने लगा हूँ, बोलता कम। हालांकि आप पूछ रहे हैं तो मैं बोलूँगा ही, पर पहले से बहुत चुप होता हूँ, बहुत सोचता हूँ, नींद मुझे कई बार नहीं आती है। दिमागी रूप से थोड़ा सा कोरोना के बाद मेरी मेमोरी थोड़ी सी डाउन हुई है, पर हाँ, रेस्क्यू जब होता है तो बत्ती जल जाती दिमाग की कि मुझे क्या करना है और कैसे होगा। वो उतना सेंस मेरे पास है अभी भी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला दिमाग है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका यूज़ जितना हो सके करें। कभी किसी रेस्क्यू से आने के बाद रोना आया है? बहुत रोता हूँ, बहुत रोता हूँ, बिना रोए रेस्क्यू कर नहीं सकता आदमी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट शेयर कर सकते हो आप? हाँ, वैसे तो जब कोई मरता है उस समय तो हम बॉडी निकाल के देते हैं, अंतरात्मा तो रोती है, हम भी रोने लग जाएंगे तो सामने वाला तो वैसे ही दुखी है, और दुखी हो जाएगा, हमें उसको देनी पड़ती है। और घर पे आने के बाद तो रोना आता ही है। हैंगिंग ब्रिज में जब इतने लोगों को निकाला, 15 दिन बाद मैं घर पे आया, पूरे 2 घंटे मेरी माँ को चिपका के बहुत रोया, आज भी याद है मुझे घटना, काफ़ी टाइम हो गया पर वो भूला नहीं, रोना आता है। बिना रोए या किसी का दुख अपने अंदर जब तक सोचोगे नहीं कि कितना दुखी है, तो फिर रेस्क्यू कहाँ कर पाओगे आप? रेस्क्यू करने का मतलब है उसकी जो उसको दुख है वो अपने अंदर थमाना है, अंदर दिमाग में फिट हो जाए कि वो दुखी है तो उसकी पीड़ा को दूर करना है। किस तरह से की जा सकती है? मेरे स्तर पे, मेरे सहयोगियों के स्तर पे, उच्च अधिकारियों के स्तर पे, जिस भी स्तर पे हो, करना है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल के कर सकता हूँ तो करूँगा, तो मुझे करना चाहिए, मुझे आता है तो ये मेरा। आखिर में, जैसे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आखिर में इस पॉडकास्ट के लास्ट में आप आम लोगों से जो इस तरीके की विपत्तियों में फंस जाते हैं या आसपास देखते हैं,
अब क्या सलाह देते हैं उनको, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी सलाह तो ये है कि आप अपनी जान, जान बहुत कीमती है, आपके माँ बाप आपसे बहुत अपेक्षाएं आशाएं रखते हैं, आप हर जगह जो लोग बच्चे हैं या जो भी बड़े भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल के और अपनी थोड़ी सी मस्ती के लिए या थोड़े से एंजॉय के लिए जान जोखिम में डाल के ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर वो मर सकते हैं। पिछले सीजन में हमने दो लोगों को, तीन लोगों को निकाला है पाड़ाजर महादेव, वो जगह कोई नहाने योग्य नहीं है। अब वहाँ जाकर के अगर मस्ती करना या नहाना या तुम्हें तैरना ही नहीं आता है तो भी उसमें जाना कहाँ तक सही बात है? वहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं फिर भी आप उसको अवॉइड करके जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आपका जीवन अमूल्य है, इसको दूसरों की भलाई में लगाएं, माँ बाप की ध्यान रखें। आपने स्टार्टिंग में ये बताया था कि आप स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं। हाँ, मैंने 28 साल तक सांप पकड़े। अच्छा। 28 साल एक बड़ा, और मैंने घर में सांप देखे हैं। मेरे नाना जी के भाई थे, एक मौसी के लड़के थे, भाई थे वो, उनका नाम था मोतीलाल जी, वो सावन भादवा के रहने वाले थे और वो हमारा घर उनका पास पास ही था, तो वो घर में सांप रखते थे। वो सांप वो किसी से किन्हीं सीखे होंगे कहीं से, तो वो सांप मैंने बचपन से देखे घरों में। पहले क्या था कि लकड़ी की पेटियां और मटके होते थे, उनमें सांप रखते थे, पीवीसी का जमाना नहीं था तो उनमें मैं छिपकली मंगाते थे, मुझसे छोटा था मैं तो 25 पैसे मिलते थे छिपकली के लिए, तो उनको ला के देता था, वो डालते थे, तो मैं देखता था उस चीज़ को कि ये सांप खाता है इसको। तो मुझे सांप बचपन से ही मिले विरासत में, कि सांप देखे मैंने। फिर वो एक अचानक बीमार हुए और उनको पैरालिसिस हो गया था, तो काफ़ी दिन पैरालिसिस में रहे और उनका देहांत हो गया। फिर वो विद्या जो थी ना, वो हमारे यहाँ से, हमें पता नहीं था किस तरह से सांप को रखते हैं क्या है, तो फिर मोबिया साहब जो प्रोफेसर मेरे गुरु हैं वो, और उन देहांत हो गया उनका, पर मेरे बिना उनको रोज याद करे रह नहीं सकता, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो प्रोफेसर विनोद कुमार मोबिया के टच में मैं आया, फ़ोन करा मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे सांपों के बारे में सिखाया। पहले तो मैं वो जगह जगह जो बाइट हो जाते थे तो मुझे लेके जाते थे कि बाइट कौन सा कैसे होता है, कौन सा जहरीला सांप है, तो कई एक दो साल तो मैं उनके साथ ऐसे ही रहा। एक दो साल के बाद उन्होंने मुझे रेस्क्यू करना भी भेजने लगे, क्योंकि वो गिर गए थे, उनको चोट लग गई थी, तो वो रेस्क्यू करता रहा मैं। तो 28 साल तक मैंने रेस्क्यू करे, इस दौरान मुझे 5 बार कोबरा बाइट हुआ है। 5 बार कोबरा बाइट हुआ, इसमें ये सबसे पहला कोबरा बाइट मुझे 2002 में हुआ, ये उंगली डैमेज हो गई, और उसके बाद इसमें हुआ और ये मगरमच्छ द्वारा, मगरमच्छ भी रेस्क्यू करते थे, फायर ब्रिगेड में सब करना पड़ता है, अगर ज़्यादा जान पे आफत आ जाए तो लोगों को जान को खतरा नहीं हो, तो उस वजह से मगरमच्छ ने चबा ली उंगली, 2016 की बात है। और इसके अंदर ये रसल वाइपर का बाइट है, ऐसे मुझे 5 कोबरा बाइट और एक रसल वाइपर। और उसके बाद आप सरवाइव कैसे कर गए? नहीं, उसके बाद मेरे सर जो थे महोबिया साहब, वो बहुत ही अच्छे इलाज ट्रीटमेंट और पार्ट उनके पास बहुत ज़बरदस्त था, मैं उसकी बदौलत बचा हूँ। आगे आने वाले रेस्क्यूअर से मैं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षित रेस्क्यू करें, बाइट ना हो, बाइट न करें, बाइट मतलब होने से पहले आप सावधानी से ही रेस्क्यू करें, हाथ से टच नहीं करें। जो हमारी थ्योरी थी वो थोड़ी अलग थी, उस जमाने में माउथ ग्रिप करके ही पकड़ते थे, इतना एडवांस नहीं था, कोई टेक्निक नहीं निकली थी, हमें जो सिखाया उसी आधार पर सीखते गए। आज के तारीख में अलग रेस्क्यू है, थोड़ा कई टेक्निक्स हैं जो सेफ रेस्क्यू हो जाता है, तो सेफ रेस्क्यू सीखें और जो रेस्क्यूअर हैं वो हाथ से और इससे न करें, क्योंकि वो जान बहुत कीमती है, और ऐसे मेरी जैसे सभी को गुरु नहीं मिलते जो बचा लेंगे, वो जब तक थे तो उन्होंने मुझे 6 बार बचाया है और मैं जिंदा हूँ। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि कोबरा बाइट कर ले या कि कोई भी सांप अगर आपको काटता है तो किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप वो पहले शख्स हैं, पहले व्यक्ति हैं जिसको खाया है, तो क्या चीजें आपने महसूस करी उसमें, क्या परेशानियां रही और कैसे क्या रहा, थोड़ा सा आप बताइए मेरे को उसके बारे में। देखिए, सांप या जो कोबरा बाइट है या रसल वाइपर है या वाइपर एक्स कैरिनेटस या स्विस्किल वाइपर, 4 तरह के सांप यहाँ पर मिलते हैं, और
दो तो हीमोटॉक्सिक है और दो न्यूरोटॉक्सिक है, क्रेट क्रेट और कोबरा न्यूरोटॉक्सिक में आते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र पे असर डालते हैं इनका जहर, तो तंत्रिकाएं प्रभावित होती है और वो और मर जाता है। लगभग आदमी अगर इलाज नहीं मिले उसको तो मर सकता है। और जो रशल वाइपर और सोइस्केल वाइपर है, ये दो तरह के सांप हेमोटॉक्सिक है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको पे प्रभाव डालते हैं। आम भाषा में बात करें तो ये आपके ब्लड के ऊपर अटैक, ब्लड के ऊपर अटैक करते हैं। तो चारों सांप जहरीले होते हैं, चार का ही एक एंटीडोट आता है, उसको एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं। उस पर चारों के नाम लिखे होते हैं, वो एक ही पॉलीवेलेंट होता है ना। आजकल मोनोवेलेंट बनने लगेंगे अब, पर अलग अलग सांप के, पर वो एक ही आता है, सभी का इलाज उसी से होता है। मेरा एक पहला और लास्ट दो शब्द का है, अगर आपको बाइट होता है सांप का, आपको पता नहीं है सांप कौन सा है, अगर आप मार लेते हैं उस सांप को तो उसको डॉक्टर को दिखाएं, नहीं नहीं मार पाते हैं तो आप सीधे अस्पताल जाएं, उस अंग को कम से कम हिलाए हुए हिलाए कम, जहाँ पर बाइट हुआ है उसको कुछ नहीं करें। लोग बोलते हैं इसको बांध दो काट दो, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, सबके नुकसान है। आप सीधे अस्पताल पास, अगर आपका अस्पताल दूर है तो भी आप घबराए नहीं, मैं जिंदा हूँ, सिर्फ घबराहट कम हो कि मेरे को तो सांप आ गया मैं बचूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी टाइम मिलता है, पर यह कि आप वहाँ पर रुके रुक करके रुकने से अच्छा है कि आप अस्पताल की तरफ जाएं, हो सके तो आप ठंडी पट्टी रखें बर्फ़ की, उसके नीचे आराम मिलेगा आपको, और उस अंग को कम से कम मिलाए अस्पताल जाएंगे, एंटी वेनम लगाएंगे, डॉक्टर सब जानते हैं, हर जगह ये आजकल ट्रीटमेंट है, और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा हो जाए या झाड़ फूँक में या अन्य दवाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी जान न बचे, क्योंकि मैंने जो पाया उसमें कुछ देर के अंदर ही गला चोक हो जाता है कोबरा बाइट में, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कई केस देखे हैं मैंने तो जिनकी डेथ होगी वो लेट हो जाते हैं, तब हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपने भी अनुभव करी है? बिल्कुल अनुभव करी है, उसमें मर सकता है आदमी। उसमें जो कोबरा बाइट होता है तो बहुत तेज दर्द होता है, और वो ये उंगली मेरी पूरी डैमेज हो गई, गल गई थी, बड़ी मुश्किल से ये एक डेढ़ साल में ठीक हुई है। हड्डी में इन्फेक्शन था, कई बार इसको कट करना पड़ा अलग अलग, तो इसकी शेप बिगड़ गई है। तो समझ में आता है कि एक बाइट कितना खतरनाक हो सकता है, जान बचाने की तो छोड़ो, वो अंग भी तो खराब हो जाएगा, तो वो अंग भी नहीं कर पाएगा काम। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अस्पताल जाएं, झाड़ फूंक या अन्य चीजों पे विश्वास न करके। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें काटा है, ये उन लोगों के लिए भी है जो उनके आस पास में है। बिल्कुल सभी सभी को ये मैंने बताया, प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की क्या औचित्य है? आपको पानी की प्यास लगी उसके बाद कुआं थोड़ी खोदेंगे, आपके को पता है कि जहर जहर है इसमें और इसने जहर इंजेक्ट कर दिया है, तो आपको अस्पताल जाना है। अब उसके पहले आप पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो उसको जितना टाइम आप वहाँ खर्च करेंगे उतने टाइम में अस्पताल ले जाएंगे, तो वो उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। और जो ये अभी आपने मेरे को बताया कि दूसरी फिंगर आपकी मगर को रेस्क्यू करते टाइम, मगर भी हम पहले रेस्क्यू करते थे, अब तो फॉरेस्ट करती है, और पहले मगरमच्छ हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, पर घरों में मगरमच्छ आ जाते थे। तो ये बजरंग नगर के आसपास की घटना है, उसमें रोज एक मगरमच्छ आता था, तो एक प्लॉट में था, खतरा था लोगों को, तो गए हम उसको छोड़ते समय दुर्घटना घटी है। उसके पहले भी कई मगरमच्छ हमने छोड़े हैं, तो अब ये फॉरेस्ट को दे दिया है, उनकी एक टीम होती है, तो वो पकड़ के पूरा रेस्क्यू, वो जहाँ पर उनको शूट करता है वहाँ छोड़ते भी हैं। मगरमच्छ की काफी तादाद बढ़ गई है कोटा शहर। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय में बात करके, बाकी एक और हम पॉडकास्ट जरूर मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जिसमें मैं पूरा कम्प्लीटली आपके गुरुजी आदरणीय श्री मोविया साहब और सांपों के विषय में मैं बात करना चाहूंगा डिटेल में, कि कैसे आपने सीखा और किस तरीके के चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, उनके कंजर्वेशन को लेकर भी, और जो आज के समय हम लोगों को समस्याएं देखने को मिलती हैं घरों में, आसपास रिहायशी इलाकों में बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं,
तो उन सब पे हम एक डिटेल में एक अलग से पॉडकास्ट लेकर आऊंगा मैं आपके साथ। तो आज आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।